बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्रिकेट एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा, जिस तरह आप लोगों को पता है, हमने पीएसएल जो है उसके स्क्वाड की एनालिसिस स्टार्ट की है। तो कल हमने डिस्कस किया था पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को, आज हम डिस्कस करेंगे पीएसएल में जो सबसे सक्सेसफुल टीम है एज़ फार एज़ ट्रॉफीज विनिंग परसेंटेज इज़ कंसर्न, तो वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। दो दफ़ा ये चैम्पियन रह चुके हैं और इसके PSL 8 में कौन कौन से प्लेयर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, स्क्वाड के अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो आज इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बैटर्स से। जिस तरह हमने कल पेशावर के बैटर्स को पहले डिस्कस किया था, फिर विकेट कीपर्स, फिर ऑलराउंडर्स और फिर जो है उनके बॉलर्स को, तो सिमिलरली हम उसी सिक्वेंस में जाएंगे आज। सो स्क्वाड में बैटर्स जो है, प्योर बैट्समैन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, वो है एलेक्स हेल्स, आसिफ अली, पॉल स्टिरलिंग, सुहेब मकसूद, हसन नवाज एंड मुबशर खान। अच्छा, ये लास्ट जो दो जो है ना, ये इमर्जिंग में है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलेक्स हेल्स की। अच्छा, एलेक्स हेल्स पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। अभी जिस तरह वर्ल्ड T20 में इंडिया को उसने जिस तरह पेंटी लगाई थी ना सेमीफाइनल में, बिल्कुल वन साइडेड कर देते हैं मैच। बहुत पावरफुल प्लेयर है, टेक्निकली बड़ा साउंड है और ओपन के लिए आएंगे विद पॉल स्टिरलिंग, सो ही कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द अदर टीम्स। बहुत प्रॉपर खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं और जब इनकी फॉर्म जब लग जाए तो इनको इसको रोकना अनस्टॉपेबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पॉल स्टिरलिंग। अच्छा, पॉल स्टिरलिंग एलेक्स हेल्स के साथ ओपन करेंगे, आयरिश प्लेयर है ये और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं आयरलैंड की टीम के लिए, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। थोड़ा सा मतलब हैवी टाइप है, मोटा, बहुत पावरफुल है, बहुत थोड़ी सी ऑफ स्पिन भी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। सो ही एंड एलेक्स हेल कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द अपोजिशन टीम्स इन द दिस HBL PSL। बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग कॉम्बो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आसिफ अली। आसिफ अली हमारे पास लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, आप लोगों को पता है पाकिस्तान के लिए भी खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। प्रॉब्लम यह है इसकी कि ये मतलब थोड़ी सी स्पिन के अगेंस्ट जो है ये वीक होते हैं, बट फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट ऑन द डे ही कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। सुहेब मकसूद, अच्छा सुहेब मकसूद का इस तरह है कि इसकी फॉर्म जब होती है, इवन इन ड्यूरिंग द फॉर्म, ये कभी कभार मतलब ऐसे गलत शॉट्स खेल जाते हैं जो किसी को भी समझ नहीं आती कि ये इसने क्या किया। मतलब लेग साइड प्लेयर है, थोड़ा सा ऑफ साइड भी खेलते हैं, बट स्टिल जो है इसकी थोड़ी सी वो है, लेकिन स्टिल मतलब ऑन द डे ही कैन आल्सो बी वेरी वेरी डेंजरस। सो ओवरऑल, अच्छा, हसन नवाज और मुबशर खान फर्स्ट क्लास में जो है इनकी परफॉर्मेंसेस है, उसी के बेस पर इनको सेलेक्ट किया गया है। इमर्जिंग कैटेगरीज में आते हैं, यंगस्टर्स है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर एक चीज़ है, यंगस्टर को ये प्रॉपर चांस देते हैं। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल शादाब की है, मतलब जिस तरह शादाब को ये लोग लेकर गए हैं 2017 से, बिल्कुल प्रॉपरली उसको खिला रहे हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, मतलब उसके अंदर वो डर नहीं है कि मुझे टीम से निकाला जाएगा। सो जिसकी उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस आप चेक करो बैटिंग में स्पेशली, मतलब वन डाउन आते हैं, अभी तो कैप्टन भी है, वन डाउन प्रॉपरली खेलते हैं, कुल कर बगैर मतलब किसी डर के। सो ये इसके अंदर है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजमेंट के अंदर के ये प्रॉपर चांस देते हैं यंगस्टर्स को। तो हसन नवाज, मुबशर खान, इनको प्रॉपर चांसेस मिलेंगे और ये इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि PSL ही एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जहां मतलब आप लोग आपको देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास वगैरह तो 4 day या 50 वो तो कोई देखता ही नहीं है, सो इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दीज टू परफॉर्म। अब ये तो हमारे पास हो गई बैटिंग, कौन, एलेक्स हेल्स, आसिफ अली, पॉल स्टिरलिंग एंड सुहेब मकसूद और हसन नवाज और मुबशर खान, बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर हम देखे सही ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। अच्छा, ये तो बैटिंग के हवाले से हो गया, अब ऑलराउंडर्स की तरफ आते हैं। शादाब खान बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, ये PSL में स्पेशली वन डाउन आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। अच्छा, फहीम अशरफ, के इस तरह है कि मतलब कुछ प्लेयर्स इस तरह होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह नहीं करते, बट व्हेन वी टॉक अबाउट लीग्स, स्पेशली PSL में इस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत नपीतुली बॉलिंग करते हैं, मतलब इकोनॉमिकल होते हैं, ड्यूरिंग पावर प्ले लास्ट में भी और बैटिंग में भी काफ़ी यूजफुल है, पावरफुल भी है, तो ही इज़ आल्सो अ गुड चॉइस। सो शादाब, फहीम, कोलिन मनरो, अच्छा कोलिन मनरो स्पेशलिटी तो उसकी बैट्समैन है, लेकिन थोड़ी बहुत पेस बॉलिंग भी करते हैं और
बैटिंग के लिहाज से तो हम जानते हैं लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। थोड़े से अभी मतलब ज़्यादातर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बट लीग में कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो ये भी एक अच्छी चॉइस है इनके लिए। वसीम जूनियर एंड मोइन अली। अच्छा मोइन अली तो ऑफ स्पिन, अच्छा पाकिस्तानी पिचेस पर मोइन अली बेस्ट है, क्योंकि वो जिस तरह खेलते हैं ना, स्पेशली उसकी यहाँ पर जब वो एज अ स्पिनर भी आप उसको खिला सकते हैं विद द वे ही बैट्स, मतलब बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं अगर हम देखें ना, स्पेशली ऑन सब कॉन्टिनेंट पिचेस बॉलिंग करते हैं, सॉरी। सो बहुत ज़बरदस्त वो है बॉलिंग करते, और बैटिंग का तो हमें उसका पता ही है कि किस तरह बैटिंग करते हैं। सो ही कैन आल्सो बी वेरी गुड। सो शादाब, फहीम अशरफ, कॉलिन मनरो, वसीम जूनियर, मोइन अली, वाओ यार दिस इज़ मतलब अमेजिंग। अब बैटिंग को देखो, इनकी ऑलराउंडर उसको देखो, सब प्रॉपर है, मतलब इसमें एक भी ऐसा कोई नहीं है जिसको हम कहें कि नहीं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर आखिर तक। इवन वो यंगस्टर्स भी बेस्ट है। अच्छा विकेट कीपर्स इस इनके पास एक अफगानिस्तान का है, रहमानुल्लाह गुरबाज, ओपन भी करते हैं बहुत बेस्ट आजकल जो है, मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लीग में भी खेलते आ रहे हैं, आज़म खान। अच्छा ये बंदा जो है मतलब बड़े काम का है बहुत, मतलब पाकिस्तान में उस तरह उसको प्रॉपर वो नहीं किया जाता है ड्यू टू वेट एंड ऑल, बट ही इज़ वेरी गुड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जितने भी वो लीग्स खेलते आ रहे हैं ना, अभी इसी BPL में सेंचुरी कर गया है, बहुत पावरफुल है, और लीग में PSL में जो है मतलब अच्छे साबित हो सकते हैं इनके लिए, इनके लिए पिछले सीजन भी खेलते आ रहे हैं, बहुत पावरफुल है, ऑन अ डे ही कैन विन अ मैच बाय हिज ओन, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, कीपिंग भी अच्छी कर लेते हैं। अच्छा बॉलर्स में हसन अली, अच्छा ये बस सिर्फ एक, मुझे इस तरह लगता है ना, मतलब ये एक बंदा है ना जो थोड़ी सी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इवन देन ही इज़ आल्सो वेरी गुड, मतलब परफॉर्म अच्छा किया है। अपार्ट फ्रॉम हिम वो ज़ीशान ज़मीर, अच्छा ज़ीशान ज़मीर हमारे पास वो फास्ट बॉलर है जो जिसने बाबर आजम को आउट किया था पिछले सीजन में, आई थिंक वो बहुत अजीब किस्म की डिलीवरी थी, मतलब इस इधर से थोड़ी सी इन पर आउट, और स्पीड उसका पेस वो आज़म खान ने यहाँ पकड़ी थी बहुत ज़बरदस्त, और उसके बाद मेरे ख्याल में इंजर्ड भी हुए थे, बहुत ज़बरदस्त जो है बॉलर है, यंगस्टर है, इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है परफॉर्म करने के लिए। रोमान रईस, अच्छा इसका कमबैक है, रोमान रईस को आप देखें ना, अच्छा अगर हम स्टार्ट से देखें ना तो हसन अली एक अलग किस्म का बॉलर है, ज़ीशान ज़मीर एक बिल्कुल अलग किस्म का पेस, रोमान रईस एक अलग किस्म, लेफ्ट आर्म है, स्लोअर वंस डालते हैं, यॉर्कर्स करते हैं, और इस ये रोमान रईस मतलब ये बंदा ऐसा है ना जो कि मेहनत करता है, एंड ही विल बी ईगर टू कम बैक, बहुत ये इसने मेहनत की होगी, इंशाल्लाह कम बैक करेगा मेरे ख्याल से। और फिर है फजल हक फारूकी, अफगानिस्तान का लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, अभी आजकल लीग्स वगैरह खेलता है तो उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो बैटर्स में बेस्ट है इनके पास बैटिंग, बॉलर्स की अगर हम बात करें बेस्ट है, ऑलराउंडर्स बेस्ट, विकेट कीपर्स भी जो है बेस्ट है, सबसे जो PSL में ओवरऑल अगर हम देखें ना तो सबसे चालाक अगर हम मैनेजमेंट देख लेना तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, ऑन पेपर दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सिक्स टीम्स, बहुत ज़बरदस्त, मतलब आप बैटिंग को इनके देख लो ना, अगर हमने जो कल वीडियो बनाई थी ना उनके और इनकी स्क्वाड की अगर आप कंपेरिजन करें तो उनकी बॉलिंग में आप चेक करो सारे जो है वो एक जैसे बॉलर्स है, अगर हम अर्शद इकबाल और वो सारे एक यहाँ पर अगर चेक करो ना तो आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स है, एक हमारे पास जो है बिल्कुल राइट आर्म मीडियम पेस है, दूसरा हमारे पास बिल्कुल फास्ट बॉलिंग करता है, तीसरा हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट आर्म है, और फोर्थ भी लेफ्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी मिलेगी अटैक में, पर्टिकुलरली विद स्पिनर्स दे है, शादाब हो गया, मोइन अली हो गया, सही है ना, और वसीम जूनियर जो है हमने तो उसको ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाला है, बट ही इज़ अ स्पेशलिस्ट बॉलर, मतलब बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, प्लस वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, तो ओवरऑल अगर हम देखें बैटिंग बेस्ट, आउटस्टैंडिंग इनकी बैटिंग है, अगर हम सारों के देखें अलग अलग किस्म के ज़बरदस्त बैट्समैन हैं इनके साथ, विकेट कीपर्स जो है वो भी अच्छे खासे हैं, ऑलराउंडर्स बेस्ट है, सब जो है फॉर्म में है, और बॉलर्स भी बेस्ट है, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन पेपर टीम है दैट इज़ ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, सो आई विल रेट देम एज इनका जो स्क्वाड हम रेट करें वो 10/10 है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, मतलब सबसे इनका जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने एनालिसिस की इस्लामाबाद यूनाइटेड की, दो दफ़ा ये चैंपियंस रह चुके हैं और इस दफ़ा भी इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है ऑन पेपर, फिर तो चेक करते हैं क्या होता है, बट राइट नाउ ऑन पेपर दे आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डेंजरस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।